सुखी रहना है या दुखी रहना है ये आपकी चॉइस है। क्या आपको इससे पहले पता था कि अगर आप दुखी नहीं रहना चाहते हैं तो आराम से इस चीज से बाहर निकल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार सोचना पड़ रहा है। जब आप सोच लेंगे बस पहला कदम वहीं से उठ जाता है, मैं कभी भी दुखी नहीं रहती हूँ। लेकिन हाँ, आप लोगों ने भी सुना होगा कि मतलब हम कैसे इतना स्ट्रांग है, कैसे हर चीज में बहुत खुश रहता है, खुश रह लेती है। हम तो ऐसे नहीं रह सकते। नहीं, आप रह सकते हैं। ऐसा क्या होता है कि जब भी आप किसी सेशन में होते हैं और आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी मन से गए होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है और जब तक वो सेशन चलता है आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं उस सुख से बाहर निकल रहा हूँ और शायद मेरी मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको आज तक ये पता नहीं लग गया कि आप खुद अपने आप एक बार बस सोचना भर है कि हाँ मुझे इस सिचुएशन में, इस स्थिति में नहीं रहना है। अब अपने आप उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं कभी भी। जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया, जिस वक्त पे आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे वाव वाव करना है, तो बस जैसे लाफ्टर थेरेपी होती है, सिर्फ आपको डिसाइड करनी होती है, वो हो जाती है आपकी ज़िंदगी में। और आप सोचते हैं शायद ये कोई चमत्कार है, वो कोई चमत्कार नहीं होता। उसके पीछे बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रिसर्चेस हैं जो हुई हैं। अगर आपको और डेप्थ में जाना है तो आइए मेरे साथ बात करिए 9311659252 पे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी, इमोशंस की जो पूरी दुनिया है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं, तो आप चीख चीख के जमाने को क्यों बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ, मैंने कार खरीदी है, सिलेक्शन हो गया है, और मैंने घर खरीद लिया है। ये मेरे साथ नहीं, सबके साथ होता है। उस वजह से क्योंकि जब हम बहुत उत्साहित होते हैं, हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में होते हैं, उस चीज़ को हम एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और वो जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की सिर्फ और सिर्फ वजह से हमारे अंदर से एक फ्रिक्वेंसी रिलीज होती है। और जब तक वो फ्रिक्वेंसी हम किसी और के किसी प्रोवेशन से मैच नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उस चीज़ को शेयर करते रहते हैं, करते रहते हैं। और हाँ, एक समय ऐसा आता है कि जब हमें सेम फीलिंग, वो सेम एक्साइटमेंट शेयर हो जाता है, लोग क्यों कहता उत्साह से उस चीज़ को रेसिप्रोकेट कर देते हैं, वो चैप्टर क्लोज हो जाता है। कुछ सालों बाद अगर हम फिर से सोचें और अगर हम ये अच्छा जाहिर करें उसी सेम इंटेंसिटी से कि हाँ हम चाहते हैं कि इसको भी हमारे अचीवमेंट्स के बारे में पता चले, इसको भी पता लगे कि मैं उस समय क्यों खुश था, मैं चाहता हूँ इसे बताना, तो हम फिर से वो चीज़ पा सकते हैं। लेकिन हाँ, हर चीज़, हर इच्छा आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी उस इच्छा में वो इंटेंसिटी है तो वो ज़रूर पूरी होगी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। और किसी भी चीज़ को, किसी भी परिस्थिति को आप सिर्फ और सिर्फ किसी पावर से बदल सकते हैं। और जब इतना इतना जोश है तो हम क्यों ही रहते हैं उस चीज़ में। बहुत 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 आसान है। और जिस चीज़ को करने से हम खुश होते हैं, जिस चीज़ को करने से हमारे आसपास के लोग जो हमें प्यार करते हैं वो खुश होते हैं, और हम चाहते हैं, हम भगवान से प्रेयर्स करते हैं हर दिन। भगवान, हम नहीं चाहते कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी गम और कोई भी दुख आए, हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, हमेशा एक्साइटेड, फुल ऑन जाहिर। तो जब जिस चीज़ में इतना मज़ा है, जिस चीज़ में इतना जोश है, जिस चीज़ में आप हमेशा दिन रात मेहनत करते हो आने के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं करते हो। बस एक छोटा सा स्टेप है जो आपको उठाना है, उठा लो और हमेशा खुश रहोगे। कल वो बात मानो, करके देखो और फिर मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या कुछ फ़ायदा हुआ आपको इस सेशन का। ज़रूर होगा। थैंक यू।